हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है ना कन्नड़ सीखने में? मजा आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, जरूरतें पूरी हो रही हैं, है ना? तो शुरू में तो हमें जरूरतें ही पूरी करनी है, मजा तो बाद में लेंगे, है ना? तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे कि सब्जी मार्केट में कैसे बातें करते हैं। सब्जी मार्केट में कैसे बातें करते हैं के लिए हमें क्या क्या जानना है, कैसे है, कितना हुआ, बहुत दाम बता रहे हो, है कि नहीं, और साथ ही साथ सब्जियों के नाम। हम लोग जो है सब्जी को पकड़ के बता तो सकते हैं ये कैसे है, ठीक है ना, इशारा से तो समझ जाएगा, लेकिन मान लीजिए हमें पूछना है ये है क्या, उसे कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए हमें सब्जी के नाम तो मालूम होने ही चाहिए। आज हम लोग इस वीडियो में सभी सब्जियों के नाम जो ज्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं उन सब सब्जियों के नाम देखेंगे, साथ ही साथ उनकी खरीदारी कैसे करनी है, कैसे है, बहुत दाम बता रहे हो, है कि नहीं, कितने हुए, सबके बारे में जानेंगे। आज के बाद कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सब्जी खरीदने में, ठीक है, शुरू करें। चलिए, जैसे हमें बोलना है आलू, सबसे पहले आलू, आलू को क्या बोलते हैं? आलू को बोलते हैं आलू गड्ढे, आलू गड्ढे, ठीक है, आलू गड्ढे, आलू ये तो याद होना बहुत आसान है ना। फिर प्याज, प्याज को बोलते हैं इरुल्ली, इरुल्ली। फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आप तो जानते ही हैं कि मेरी मातृभाषा भी कन्नड़ नहीं है, तो दिक्कत तो होगी प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए वीडियो के आखिर में हमें शशि मैडम खुद बताएंगी कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप उन सब्जियों के नाम तो सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है ना उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो हमें सबसे अधिक दिक्कतें होती हैं वो जो साउथ इंडिया की लैंग्वेज है उसको सीखने में, इसके उच्चारण में, ला, ये देखिए इसका उच्चारण क्या होता है पता है? ये न तो ल है और न तोड़ा है। देखिए, जब हम लोग ल बोलते हैं ल, तो हमारा जीभ जो है ये ऊपर में टच होता है, ल ल, और जब हम ल बोलते हैं अड़ा अड़ा, तो जीभ जो है पीछे में टच होता है, लेकिन जब इसका अड़ा ल इसका प्रोनाउंसिएशन करना है तो ये इसके बीच की ध्वनि है, इसके बीच की ध्वनि है, और ये वाली ध्वनि जो है ना बहुत अधिक प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन हिंदी में तो यह है नहीं, इसीलिए हमें थोड़ी सी साउथ इंडिया की जितनी भी भाषाएं हैं उसको बोलने में दिक्कत होती है, तो बस वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिसमें कि ल का प्रयोग करना है, तो उस समय में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगी भी, और जब शशि मैम बताएंगी तो उस समय बहुत ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ उनके साथ बोलने की कोशिश भी करिए। अभी हम लोग बस केवल शब्द को देखते हैं कि उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्याज को बोलते हैं इरुल्ली, टमाटर, टमाटर को बोलते हैं टोमेटो, ये तो इजी याद हो जाएगा क्योंकि तो अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है ना, टोमेटो, टमाटर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं भिंडी, भिंडी को बोलते हैं बेंडेकाई, आप लोग जब तेलुगु पढ़ रहे होंगे तो पता ही चल गया होगा कि उसको भी तो बेंडेकाई बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार कन्नड़ में भी बेंडेकाई, बेंडेकाई इसका मतलब होता है भिंडी। गाजर, गाजर को बोलते हैं कैरेट, सिंपल इंग्लिश वाला ही है, गाजर को बोलते हैं कैरेट, 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 कैरेट मतलब क्या हुआ, गाजर। अब देखते हैं बरबट्टी, बरबट्टी कहीं कहीं बोधी बोला जाता है, बोला जाता है ना, सब्जी तो अच्छी लगती है इसकी, बरबट्टी, इसको बोलते हैं अलसंदे, अलसंदे, अलसंदे बरबट्टी, ठीक है ना। करेला, अच्छा तो नहीं लगता लेकिन खाना पड़ता है, नाम तो जानना पड़ेगा, करेला तो क्या बोलेंगे इसको, हागलकाई, 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 करेला, हागलकाई, करेला। लौकी, लौकी, लौकी को क्या बोलते हैं, सोरेकाई, आसान है बिल्कुल, सोरेकाई, तेलुगु में ही बोलते हैं, वहां काय बोलते हैं, यहाँ पे काई बोलते हैं, सोरेकाई, ठीक है ना। नींबू, बहुत लोग नींबू भी बोलते हैं, बहुत लोग नींबू बोलते हैं, दोनों सही है, नींबू, नींबू को बोलते हैं निम्बे हंडो, निम्बे हंगो, निम्बे हंगो, ठीक है ना, नींबू। फिर इसके बाद है लहसुन, लहसुन, लहसुन को क्या बोलते हैं, बेल्लुल्ली, बेल्लुल्ली, तेलुगु में तो वेल्लुल्ली बोलते हैं ना, इसमें बेल्लुल्ली बोलते हैं, ठीक है ना, वेल्लुल्लीपाई बोलते हैं ना, वेल्लुल्ली, वेल्लुल्लीपाई मतलब लहसुन। अदरक, अदरक के बिना चाय कैसे बनेगी, अदरक, अदरक को बोलते हैं सुंठी, सुंठी, सुंठी अदरक।
मिर्ची, मिर्ची तो चाहिए चाहिए, हरी मिर्च, मिर्ची, मिर्ची को बोलते हैं मेंसिंगकाई, मिर्ची को बोलते हैं मेंसिंगकाई, मिर्ची मेंसिंगकाई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं बंद गोभी, कैबेज, कैबेज को बोलते हैं एलेकोशो, एलेकोशो, एलेकोशो कैबेज या बंद गोभी, और फूल गोभी कॉलीफ्लावर उसको बोलते हैं हुकोशु, हुकोशु कॉलीफ्लावर, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग तो क्या है कि यहाँ पे अब नाम तो हम सब कुछ जान गए, सब्जियों के नाम तो सभी जान गए, अब इसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है ना। प्रयोग करने के लिए कुछ चाहिए ना, जैसे मान लीजिए हमें बोलना है कैसे है, ठीक है ना, कैसे है। जैसे मान लीजिए इरुल्ली, इरुल्ली क्या है बताइए, बताइए इरुल्ली प्याज, यदि हमें बोलना है प्याज कैसे है तो क्या बोलेंगे, इरुल्ली हेगदे, कैसे है। देखिए यदि हमें बोलना है कैसे है, क्वेश्चन है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेगदे, हेगदे, हेगदे कैसे है, इरुल्ली हेगदे मतलब प्याज कैसे है, आलू गड्ढे हेगदे मतलब कैसे है ना आसान। चलिए कैसे है हेगदे। अब मान लीजिए हमें बोलना है दो या दीजिए, तो दो को क्या बोलते हैं, कोड़ू, ये तो पता ही चल गया होगा, पहले वीडियो में बताई थी, कोड़ू दो और कोड़ी, कोड़ी दीजिए। यदि हमें बोलना है इरुल्ली कोड़ू मतलब प्याज दो, इरुल्ली कोड़ी प्याज दीजिए। यदि हमें बोलना है आलू 5 किलो दो, यदि हमें बोलना है, देखिए यहाँ पे आलू देखते हैं, ठीक है ना, आलू तो बहुत प्रयोग होता है ना, इसलिए पहले आलू देखते हैं, आलू को क्या बोलते हैं, आलू गड्ढे, आलू गड्ढे, ठीक है ना, आलू गड्ढे, आलू गड्ढे, आलू 5 किलो, 5 को क्या बोलते हैं, नंबर वाला वीडियो में बताई हूं पूरा नंबर, 5 को आईदु, आईदु, आलू गड्ढे आईदु, केजी को केजी बोलते हैं, ठीक है, आईदु केजी, और दो, दो को कोड़ू, कोड़ू, कोड़ू दो, ठीक है, इसको याद रखना है, कोड़ू, कोड़ू दो, कोड़ी दीजिए। तो आलू, आलू 5 किलो दो, आलू, आलू गड्ढे 5 केजी कोड़ू, है ना सर। चलिए उसी प्रकार हमें बोलना है कि टमाटर, ठीक है ना, टमाटर 1/2 केजी दो, टमाटर, तो टमाटर को क्या बोलते हैं, वो तो अंग्रेजी वाला ही है टोमेटो, ओके ना, टोमेटो 1/2 केजी को 1/2 केजी, 1/2 केजी, फिर कोड़ू 1/2 केजी कोड़ू मतलब दो, है ना, बहुत आसान। तो फ्रेंड्स मैं जितनी सब्जियों के नाम बताई हूं एक पेपर में सब सब्जियों के नाम लिख लीजिए और 2-3 बार कभी कभी उसको देख लिया करिए, इसको देखने से क्या होगा ना, सब्जी के नाम दिमाग में बैठ जाएंगे और जब हम सब्जी मार्केट जाएंगे लेने के लिए जाएंगे तो फिर हम आसानी से वहां पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। नई भाषा है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए टमाटर 1/2 किलो ले लिए, अब मान लीजिए हमें बोलना है थोड़ी धनिया पत्ती दे दो, बोलते हैं ना थोड़ी धनिया पत्ती दे दो, तो फिर क्या बोलेंगे, थोड़ी के लिए स्वल्पा, स्वल्पा थोड़ी, धनिया को धनिया बोलते हैं, स्वल्पा धनिया दो को क्या बोलते हैं, कोड़ू, अब तो याद हो गया होगा, स्वल्पा धनिया कोड़ू मतलब थोड़ी धनिया पत्ती दे दो, थोड़ी धनिया दो, हो गया ना। चलिए अब यदि मान लीजिए हमें है ना वहां पे कुछ खरीदना है, सपोज करिए हमें करेला खरीदना है या भिंडी खरीदना है और दिख ही नहीं रहा है तो क्या बोलेंगे, है क्या बोलते हैं ना किसी चीज को, या फिर नहीं है क्या, नहीं दिख रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, नहीं है क्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इल्वा, बहुत प्यारा शब्द है इल्वा, इल्वा मतलब नहीं है क्या। यदि हमें बोलना है भिंडी नहीं है क्या, फिर कैसे बोलेंगे, बेंडिकाई, बेंडिकाई इल्वा, बहुत प्यारा शब्द है बेंडिकाई इल्वा, भिंडी नहीं है क्या, ठीक है ना। उसी प्रकार हागल का इल्वा मतलब करेला नहीं है क्या, कितना आसान है, ठीक है ना, बस केवल थोड़ा इंटरेस्ट देखना है,
इलवा नहीं है क्या? ठीक है ना, यदि मान लीजिए रेट बहुत ज्यादा बता रहा है, अब नंबर वाले वीडियो से तो हम लोग समझ ही गए हैं दाम कैसे बताएगा, रेट बहुत ज्यादा बता रहा है, तो हमें बोलना है ना जो हमारा फेवरेट डायलॉग रहता है, क्या थोड़ा कम करो भाई, थोड़ा कम करो। यदि हमें बोलना है थोड़ा कम करो तो क्या बोलेंगे? थोड़ा के लिए भी बताइए ना, क्या? स्वल्पा, स्वल्पा, स्वल्पा। फिर कम करो, स्वल्पा कड़िमे, स्वल्पा कड़िमे मारो, स्वल्पा कड़ी में मारू। फ्रेंड्स मैं अभी बहुत आराम से धीरे धीरे बोल रही हूँ, स्वल्पा कड़ी में मारू ऐसा कोई नहीं बोलता। अभी लास्ट में जो है ना एक बार ध्यान से सुनिएगा कि कोई कन्नड़ व्यक्ति यदि बात करेगा तो फिर किस तरह से बात करेगा, ठीक है ना, उसको ध्यान से सुनिए और वैसे ही बोलने की कोशिश कीजिए। अभी तो बस इसलिए बता दिया जा रहा है धीरे धीरे कि आप उस शब्द को पकड़ सके, ठीक है। चलिए हो गया, अब एक और चीज देखते हैं। सबसे लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दीबाजी है ना आजकल, तो समय की कमी सबके पास रहती है। जल्दी करो, जल्दी, जल्दी को क्या बोलते हैं? बेगा मारू, बेगा, जल्दी मारू, जल्दी करो, बेगा मारू, जल्दी करो, ये तो बोलना ही पड़ेगा ना, बेगा मारू, जल्दी करो, जल्दी करो। और जल्दी तो कर दिया, बिना पैसे दिए जाएंगे क्या? पैसे तो देने हैं ना उसे, फिर क्या बोलेंगे? कितने हुए? लास्ट में तो पूछना है ना, कितने हुए भाई बता दो, कितने हुए। इसका भी बहुत प्यारा शब्द है, पता है क्या है? इष्टायतु, इष्टायतु, इष्टायतु मतलब कितने हुए, इष्टायतु। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद सब्जियों के नाम साथ ही साथ उसको लेना देना उससे संबंध में जो बातें होती हैं हम लोग इस वीडियो में आसानी से जान गए होंगे, और अब जो है ना कन्नड़ में हम लोग आसानी से बता सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, जो चाहिए ले सकते हैं। अब आइए तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, मजा आया ना? फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है? कन्नड़ बोलना है और कमेंट्स करना है, साथ ही साथ में फ्रेंड्स अपने और फ्रेंड्स को जो कन्नड़ सीखना चाहते हैं उन्हें भी बताना है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।